हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, वैसे तो हम स्क्वायर में पेपर लेना तो जानते ही हैं, लेकिन आज के इस वीडियो पर हम न्यू पीस लेने के कई अलग अलग तरीके सीखेंगे ताकि हम अपने काम को और भी आसान बना सकें। हमारे पास पीस लेने के 8 तरीके हैं, लेकिन हम 7 तरीके तो लगभग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। नंबर 1, रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार। हम अक्सर इसी के माध्यम से पेपर लेते हैं और काम को स्टार्ट कर देते हैं। आज हम बात करेंगे 7 वो तरीके की जो हम शायद बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, पॉलीगोनल यानी कि बहुभुज। नंबर 3, सर्कल यानी कि गोलाकार। नंबर 4, सेक्टर यानी कि एंगल की तरह का गोलाकार। नंबर 5, ARC यानी कि घुमावदार पट्टी। नंबर 6, स्पाइरल यानी कि घुमावदार फ्रिल या रिफल। नंबर 7, स्ट्राइप टू स्पाइरल यानी कि यह भी घुमावदार ही है, लेकिन यह थोड़ा अलग है। तो इन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे और इनकी काफ़ी बारीकी के साथ समझेंगे कि इनका इस्तेमाल पीस में कब और कहां करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रेक्टेंगुलर पीस लेने के 4 तरीके। नंबर 1, पहला तरीका, न्यू पेपर लेने के लिए हम सिंपल लेफ्ट साइड पर कॉर्नर पे एडिट के नीचे एक पेपर का आइकन बना हुआ है, हम इस पर क्लिक करते हैं और नया पेपर लेने के लिए एक विंडो ओपन हो जाती है और हम सिंपल से हम इस पर लेंथ और विड्थ की वैल्यू डाल करके ओके कर देते हैं और हमारे स्क्रीन टेबल पर एक पेपर आ जाता है और फिर हम उसी को काट छांट कर अपने मन मुताबिक पैटर्न तैयार करते हैं। नंबर 2, और दूसरा तरीका है न्यू पेज लेने का। हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+N बटन क्लिक करते हैं और पेज की साइज भरने के लिए हमारे सामने फिर से वही विंडो आ जाती है जिस पर हम लेंथ और विड्थ के अनुसार पेपर लेकर काम को स्टार्ट करते हैं। यह तो था दूसरा तरीका। नंबर 3, थर्ड मेथड है, हम माउस की राइट बटन क्लिक करते हैं और नया पीस लेने के कई अलग अलग तरीके मिल जाते हैं। आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा पेस्ट। अभी आप देख रहे होंगे यह पेस्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। यह हाईलाइट तब होता है जब हम दूसरे टेबल से कोई पैटर्न को कॉपी करके नई टेबल में आते हैं, तब यह हाईलाइट रहता है। कई बार क्या होता है, हमारे पास पैटर्न बनाने के लिए कोई ऐसा पीस आ जाता है जो उससे मिलता जुलता पैटर्न हमारे पास पहले से बना हुआ सेव होता है, तो हम क्या करते हैं, उसी पैटर्न की फाइल को खोलकर कॉपी करते हैं और नई टेबल में आकर पेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है और पहला पैटर्न ख़राब भी नहीं होता है और हम उसी पैटर्न को दूसरी टेबल पर खोलकर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके एक दूसरे पैटर्न का रूप दे देते हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक दूसरी टेबल खुली है, उसमें मैं एक पैनल कॉपी करता हूँ और इस न्यू टेबल पर पेस्ट कर देता हूँ। यह मैंने दूसरी टेबल ओपन किया और Ctrl+A दबाया और पूरा पैटर्न सेलेक्ट हो गया। फिर Ctrl+C दबाकर कॉपी किया और दूसरी टेबल पर आकर माउस की राइट बटन क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। आप चाहें तो टूल बार से भी इस पेस्ट वाले आइकन पे क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो Ctrl+V क्लिक करके भी हम यह काम कर सकते हैं। यह काम मैं आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट बताने के लिए किया था और अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और फिर से मैं माउस की राइट बटन क्लिक किया और दोबारा वही ऑप्शन ओपन हो गया है और अब नीचे है क्रिएट रेक्टेंगुलर पीस, जिसके बारे में हम कई बार अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं और इसके बारे में आपको पता भी होगा क्योंकि यह सॉफ्टवेयर के अंदर के आने के बाद यह पहला काम है और यह बहुत आसान है। तो हम पेपर लेने के लिए इसी क्रिएट रेक्टेंगुलर पीस पर क्लिक करते हैं और अपने मन मुताबिक वैल्यू डाल के पेपर ले लेते हैं और काम को स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 2, अब बात करते हैं पॉलीगोनल यानी कि बहुभुज। इसके जरिए हम कई कोने वाला पैटर्न ले सकते हैं, तो हमने इस पर क्लिक किया तो पीस के साइज भरने का ऑप्शन आ गया है। अभी फिलहाल जो वैल्यू डली है उसी को डली रहने देते हैं, जैसे कि पॉइंट 10 है, रेडियस 11 है, पैरामीटर 70 है, एंगल इसका 0 है और क्लिक करते हैं। यह मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कई कोने वाला पेपर हमारी स्क्रीन पर आ गया है। तो अगर आपको कोई पीस में इस तरह के कोनेदार पैनल की ज़रूरत है तो आप यहां से ले सकते हैं। अब आप सोचो कि अगर चौकोर पेपर लेकर के इस तरह का पैटर्न बनाना पड़े तो कितना मुश्किल है ना, इसीलिए इस काम को आसान बनाने के लिए यह शॉर्टकट तरीका है। तो
इसे और भी बारीकी से समझने के लिए हम फिर से इसी तरह के पैनल को लेंगे ताकि दोबारा से हम यह समझ सकें कि वैल्यू फिल करने वाली विंडो में क्या क्या वैल्यू कहाँ डालना है। तो यह मैंने फिर से अपने माउस की राइट बटन क्लिक किया तो इस बार कुछ अलग तरीके के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमारी टेबल बिल्कुल खाली होती है और हम अपने माउस की राइट बटन क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट पीस लेने के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, लेकिन जब टेबल पर कोई पैटर्न पहले से पड़ा हुआ होता है तो इस तरह से ऑप्शन आने लगते हैं जैसे अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि जो पैटर्न टेबल पर पड़ा है उससे रिलेटेड विकल्प भी साइड में ओपन होने लगते हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये जो विकल्प आ रहे हैं तो इनमें ऊपर से पाँचवें नंबर पर न्यू पीस लिखा हुआ है। जैसे ही आप अपना माउस न्यू पीस के ऊपर लेकर जाएंगे तो फिर से वही पीस लेने के अलग अलग तरीके ओपन हो जाएंगे, और अगर आप चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार यह सभी टूल्स को लेकर टेबल या टूल बार पर कहीं भी रख सकते हैं। तरीका यह है कि आपको अपना माउस इन डॉट डॉट के ऊपर लेकर जाना है और माउस की लेफ्ट बटन दबाते हुए कहीं भी खींच कर रख देना है। तो यह हमने इसे खींच कर टेबल के कोने पर रख लेते हैं और आगे की जानकारी कंप्लीट करते हैं। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं पॉलीगोनल यानी कि बहुभुज के बारे में। यह मैंने फिर से पॉलीगोनल पेपर के ऊपर क्लिक किया और पॉलीगोनल पेपर की साइज लेने की विंडो आ गई है। तो थोड़ा हम इसे समझ लेते हैं फिर बात करेंगे दूसरे मेथड की। तो आपको सबसे ऊपर वही देखने को मिल रहा होगा पीस का नेम, तो हम इसका कुछ भी नाम दे देते हैं, और उसके नीचे देख रहे होंगे पॉइंट के सामने 10 लिखा हुआ है, यानी कि यह जो पैटर्न बना हुआ है 10 पॉइंट के हिसाब से बना हुआ है। आप साइड में इस पैनल पर देख सकते हैं जो हमने पहले लिया था, हर एक पॉइंट के पास पॉइंट के नंबर लिखे हुए हैं क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपकी स्क्रीन पर पॉइंट के नंबर नहीं दिख रहे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो देखकर यह काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अब उसके नीचे है रेडियस, रेडियस भी हमने डाला हुआ है 11 इंच 3/8। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अभी जो वैल्यू डली हुई है फिलहाल उसी पे समझते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे तो मैंने पॉइंट के बारे में बता दिया कि पीस में जितने पॉइंट कोनेदार पैटर्न चाहिए आप उतने पॉइंट की वैल्यू यहाँ डालें। रेडियस यानी कि जो हमारा पेपर का सेंटर है उसके चारों तरफ 11.3/8 है। चलो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। फिलहाल इस विंडो को थोड़ा क्लोज करते हैं और इसे समझकर फिर ओपन करेंगे। यह मैंने इसे क्लोज किया और साइड से गाइडलाइन लिया और पैटर्न के इधर लास्ट पॉइंट पे रख दिया और डबल क्लिक करके इस पे हमने रेडियस के सामने जो वैल्यू थी उसे डाल देते हैं। तो यह मैंने 11 इंच 3/8 किया और ओके कर दिया, और अब आप देख सकते हैं कि हमारी गाइडलाइन पीस के बीचों बीच आ गई है। तो पीस के बीच का सेंटर है, तो पीस के बीच के सेंटर से चारों तरफ नापेंगे तो 11 इंच 3/8 ही आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो अब हम दोबारा से पॉलीगोनल पीस के लिए क्लिक किया और यह विंडो फिर से आ गई। अब तीसरे नंबर पे है पैरामीटर, यानी कि जो हमारा पीस है इसके गोले का जो मेजरमेंट है वह है 70 इंच 1/4। अब मैं आपको इसे ट्राई करके दिखाता हूँ। यह मैंने क्लॉक बाई पॉइंट सेलेक्ट किया और इन पॉइंट को अनग्रेडिंग कर दिया। अब आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं पूरे पीस का सर्कल की पूरी वैल्यू एक ही जगह पर दिखाने लगा है। इसके बाद जो लास्ट बचा हुआ है वह है एंगल, जिसमें अभी सब जीरो है। एंगल से क्या होता है जान लेते हैं। एंगल से यह होता है अगर हम इस पैनल को लेफ्ट या राइट घुमाना चाहते हैं तो यहाँ पर वह वैल्यू डाल देंगे जितनी डिग्री हमें पैटर्न को घुमाना है। तो यह मैंने दोबारा से पॉलीगोनल पैटर्न लिया और इस बार एंगल पे 90 डिग्री वैल्यू डाल दिया। तो अब आप इसमें फर्क देख सकते हैं कि इसके कोने पहले वाले पैटर्न से इधर उधर आएंगे। तो बस यही फर्क है एंगल में वैल्यू डालने का। नंबर 3, अब तीसरे नंबर पे क्रिएट सर्कल पीस। यह मैंने क्रिएट ए सर्कल पीस पे क्लिक किया और फिर से वैसे ही विंडो ओपन हो गई जैसे इससे पिछले वाले ऑप्शन में आ रही थी। यह विंडो पे भी सेम वैसे ही वैल्यू डालना है और समझना है जैसे पिछले ऑप्शन पे हमने समझा। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले ऑप्शन में पॉलीगोन पीस बनेगा यानी कि कोनेदार, यह है सर्कल पीस यानी कि इस ऑप्शन से एक गोलाकार पैटर्न बनेगा।
तो अब इसमें वैल्यू जो भी डली है वही डली रहने देते हैं, क्योंकि इसमें किस खाने पर क्या वैल्यू डालेंगे वह तो आप पिछले ऑप्शन वाले तरीके को ही अपनाना होगा। तो यह मैंने ओके क्लिक कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं यह गोलाकार पैटर्न हमारे टेबल पर आ गया है। तो अगर आपको गोलाकार पैटर्न की ज़रूरत है तो आप यहां से बना सकते हैं। नंबर फोर, अब चौथे नंबर पे है क्रिएट ए सेक्टर पीस। यह हमने क्रिएट ए सेक्टर पीस पे क्लिक किया और इस बार फिर वैसे ही विंडो ओपन हो गई, लेकिन इस पे थोड़ा वैल्यू डालने के खाने यानी कि डब्बे कई हैं। तो इसमें जो वैल्यू डली है इस पे हम कोई छेड़छाड़ ना करते हुए ओके क्लिक करते हैं और दोबारा से समझेंगे कि क्या वैल्यू कहाँ पर डालना है, तो पैटर्न पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमने ओके कर दिया और हमारे सामने एक तीन कोने वाला पैटर्न आ गया है। तो अगर आपको कुछ इस तरह का पैटर्न की ज़रूरत है तो आप यहाँ से क्रिएट ए सेक्टर पीस लेकर अपने मन मुताबिक वैल्यू डालकर बना सकते हैं। अब चलिए दोबारा से इसे समझते हैं कि कहाँ पर क्या वैल्यू डालना है तो कहाँ पर पैटर्न में फ़र्क पड़ेगा। यह मैंने फिर से क्रिएट ए सेक्टर पीस पे क्लिक किया और विंडो फिर हमारे सामने पॉपअप हो गई है। तो गाइस इसमें एंगल में अभी 90 डिग्री पड़ा हुआ है, आप चाहे तो इस एंगल पे कोई ना कोई वैल्यू डालकर इसे तिकोने पेपर को लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं। उसके नीचे है 15 इंच की वैल्यू डली हुई है, यानी कि इसका त्रिभुज कोण 15x15 का बनेगा, यह आप साइड पर देख सकते हैं। और इसके नीचे है लेंथ जो कर्व की वैल्यू दिखा रहा है, साइड पे आप देख सकते हैं 23.1/2 है। तो यह दोनों बॉक्स एक साथ काम करते हैं, अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेडियस अपने आप बढ़ जाएगा और अगर रेडियस बढ़ाएंगे तो लेंथ अपने आप बढ़ जाएगी। और इसके नीचे है पॉइंट, यहाँ पर दिख रहे हैं 5 पॉइंट, यानी कि यह त्रिभुज पैटर्न है, इसका कर्व 5 पॉइंट से बना हुआ है। आप इधर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम इस पर पॉइंट की संख्या कम कर देते हैं तो हमारा कर्व उतना अच्छा नहीं बन पाएगा जितना अभी 5 पॉइंट से बना हुआ है। तो मैं इस पॉइंट संख्या को 5 से घटाकर 3 कर देता हूँ और एक बार फिर से ओके कर दिया। अब आप इन दोनों की बनावट में क्या फ़र्क है देख कर आसानी से समझ सकते हैं। कुल मिलाकर कर्व हमारा जितने ज़्यादा पॉइंट से बनेगा उतना ही स्मूथ उसकी शेप दिखेगी, लेकिन हमें और ज़्यादा स्मूथ बनाने के चक्कर में ऐसा भी नहीं करना है कि 20 इंच के कर्व में 40 पॉइंट लगा दें, लेकिन 20 इंच के कर्व में कम से कम 6 या 7 पॉइंट तो होना ज़रूरी है। अब हम दोबारा से फिर से उसी विंडो को ओपन करते हैं और बाकी ऑप्शन कैसे काम करते हैं वह समझते हैं। वैसे आप पॉइंट तो समझ गए होंगे। अब उसके नीचे हैं इंटरनल के 3 खाने हैं, ऊपर के 3 खाने एक्सटर्नल कर्व बनाने के लिए हैं और नीचे के 3 खाने इंटरनल कर्व बनाने के लिए हैं। तो अभी आप एक्सटर्नल इंटरनल में थोड़ा कंफ्यूज होंगे तो मैं यह भी कंफ्यूजन आपकी दूर कर देता हूँ। तो हम नीचे रेडियस इंटरनल के सामने वह वैल्यू डालेंगे जो ऊपर एक्सटर्नल वैल्यू से कुछ कम या ज़्यादा हो। तो हम इस इंटरनल रेडियस के सामने 3 इंच कम यानी 12 इंच की वैल्यू डाल देते हैं और नीचे लेंथ पे कुछ नहीं करना, यह अपने आप ही सेट हो जाएगी। आप चाहें तो पॉइंट भले ही कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट की संख्या भी अपने आप घट बढ़ जाती है कर्व के हिसाब से। फिर भी यह मैंने पॉइंट की वैल्यू 10 डाल दिया और ओके कर देता हूँ। बाकी ऐसा क्यों करना है यह आप अपने आप ही समझ जाएंगे। ओके करते ही आप देख सकते हैं कि यह एक कर्व में पट्टी तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसके ऊपर पैच कर सकते हैं तो यह पट्टी अभी पैटर्न के अंदर समा जाएगी, क्योंकि हमने इंटरनल वैल्यू एक्सटर्नल से कम डाला है। तो अगर हम ट्रेंगल यानी कि कोनेदार टाइप का पैटर्न चाहिए तो नीचे इंटरनल वाले डब्बे पर कुछ भी नहीं भरना, सिर्फ ऊपर वाले एक्सटर्नल रेडियस के सामने वह वैल्यू डाल देना है जितना बड़ा ट्रेंगल पैटर्न बनाना है और ओके कर देना है, तो आप इस तरह के पैटर्न को बना पाएंगे। और अगर आपको इस टाइप की पट्टी चाहिए तो इंटरनल रेडियस के सामने एक्सटर्नल रेडियस से कुछ कम या ज़्यादा वैल्यू डालकर ओके कर देना है, तो आप इस तरह के पैटर्न को भी बना पाएंगे। तो अभी हमने इंटरनल पे कम वैल्यू डालकर बनाया था तो कर्व पट्टी इस पैटर्न के अंदर समा गई थी क्योंकि छोटी थी, लेकिन इस बार एक्सटर्नल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू इंटरनल पे डाल देते हैं तो क्या होगा। यह मैंने 15 से 2 इंच प्लस कर देता हूँ,
यानी कि इस बॉक्स पे 17 इंच वैल्यू डाल दिया और ओके कर दिया और फिर से एक 2 इंच की कर्व पट्टी हमारे स्क्रीन पे आ गई। लेकिन इसमें फर्क बस इतना है कि यह पट्टी इस पैटर्न के अंदर सेट नहीं होगी क्योंकि यह बड़ी है, यह इसके बाहर कर्व पे आसानी से सेट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इस ऑप्शन को बहुत सरल तरीके से समझ गए होंगे। नंबर 5, क्रिएट ARC पीस। इस ऑप्शन से आप बहुत आसानी से कॉलर बैंड बना सकते हैं। जैसे मान लो मुझे 18 इंच का एक बैंड बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यह मैंने राइट बटन क्लिक किया और न्यू पीस पे जाकर ऊपर से 5वें ऑप्शन क्रिएट ARC पर क्लिक किया और यह विंडो हमारे सामने आ गई और हम इसका नाम दे देते हैं कॉलर बैंड और हमें इसकी विड्थ चाहिए 1 इंच और इसके नीचे लेंथ टॉप लेंथ बॉटम। फिलहाल अभी मैं दोनों बॉक्स पर सेम वैल्यू डाल देता हूं ताकि आपको भी और भी अच्छी तरह से समझा सकूं। यह मैंने दोनों बॉक्स पे 18-18 इंच डाल दिया है और पॉइंट की संख्या 3 अपने आप हो गई है। इस पे हमें कुछ नहीं करना, बस ओके कर देना है क्योंकि पॉइंट की संख्या अपने आप घटती बढ़ती है। ओके करते ही आप देख सकते हैं एक 18 इंच की लंबी पट्टी आ गई है। तो आप इसे सोच रहे होंगे कॉलर बैंड बना कहाँ, ऐसी पट्टी तो हम लेंथ विड्थ डालकर चौकोर पेपर से भी ले सकते हैं। तो मैं मानता हूँ आप ले सकते हैं लेकिन ऑप्शन खास है। लेकिन खास कैसे है, खास है तभी तो अलग से दिया गया है। तो खास क्यों है यह आपको अब समझ में आएगा। यह मैंने फिर से ARC ऑप्शन पे क्लिक किया लेकिन इस बार टॉप लेंथ को हमने कम कर दिया, इस पर 15 इंच डाल दिया और ओके कर दिया और आप देख सकते हैं वह 1 इंच की पट्टी किस तरह से कर्व में बदल गई है। अब आप समझ गए होंगे यह खास क्यों है। तो चलिए एक बार और समझते हैं और जो भी कंफ्यूजन है वह भी दूर कर लेते हैं। यह हमने फिर से ARC ऑप्शन पर क्लिक किया, इस बार टॉप की वैल्यू को हम कम कर देते हैं क्योंकि यह कर्व हमें और भी ज़्यादा चाहिए। आप चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप वही पुराना अंदाज़ा माउस की राइट बटन देन न्यू पीस एंड ऊपर से 5वें नंबर पे ARC पे क्लिक किया और इस बार टॉप लेंथ हमें और भी कम करना। लेकिन इसकी भी एक सीमा है, वह सीमा कम या ज़्यादा नहीं डाल सकते। जैसे कि मैंने 11 इंच इस पर डाल दिया लेकिन आप यहां देख सकते हैं ओके बटन हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि हम अभी उसकी सीमा से काफ़ी कम डाल रहे हैं। तो एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। 12 इंच डाल दिया तो देखिए इस बार ओके बटन हाईलाइट होने लगा है, यानी कि 12 इंच के नीचे की वैल्यू यह स्वीकार नहीं करेगा। तो यह मैंने 12 इंच डालकर ओके कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कितना स्मूथ गोल बैंड बन गया है। अभी आप यहां पर थोड़ा सा गैप बाकी है, अगर अभी हम 12 इंच से 1/2 इंच और भी कम कर देते तो भी यह ओके हो जाता, लेकिन यह जो गैप है वह भी भर जाता। बाकी आप इस बैंड का कॉर्नर वगैरह गोल करना चाहते हैं तो पॉइंट मिटाकर आसानी से कर सकते हैं। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नंबर 6, क्रिएट स्पाइरल पीस, यानी कि घुमावदार चक्री या जलेबी या फिर इसे फ्रिल या रफल भी बोलते हैं। अगर फिर भी आप नहीं समझ पाए तो इस फोटो को देखकर समझ सकते हैं। यह लटक रहे कपड़े को फ्रिल या रफल या फिर और भी अलग नाम से जानते होंगे लेकिन हम फिलहाल इसे फ्रिल ही कहते हैं। यह ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप इस ऑप्शन का प्रयोग नहीं जानते हैं तो आप इस तरह के पैटर्न को बनाने में काफ़ी समय खराब कर सकते हैं। वैसे चौकोर पेपर लेकर हम हर काम को काट छांट कर जुगाड़ से कर सकते हैं लेकिन अगर कोई ऑप्शन स्पेशल उसी के लिए बना है तो ज़रूर उस ऑप्शन में हमारा काम जल्दी और सही होगा। तो चलिए यह भी सीख लेते हैं। तो यह मैंने अपने माउस की राइट बटन क्लिक किया और न्यू पीस पर माउस लेकर गया और साइड में विंडो आ गई और उस विंडो से ऊपर से 7वें नंबर पर ऑप्शन ओके किया। ओके करते ही क्रिएट स्पाइरल पीस की विंडो आ गई है। इस पे कई मल्टीपल ऑप्शन है लेकिन इसे हम बारी बारी से समझेंगे क्योंकि एक बार में समझ पाना काफ़ी डिफिकल्ट है। वैसे तो ऊपर पीस का नाम देना है, ये तो आपको पता है, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसे खैर हमें समझने की ज़रूरत तो है नहीं लेकिन जो है समझने की ज़रूरत उसे समझते हैं। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, एक है सर्कल और दूसरा है पॉइंट पर सर्कल।
तो पहले हम यही ऊपर से समझना स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से सभी को समझेंगे। इसे समझने में थोड़ा आपका टाइम तो ज़्यादा स्पेंड होगा, लेकिन एक बार समझ लिया तो फिर बहुत से काम आपके आसान हो जाएंगे। तो चलिए आप इसे समझने की कोशिश कीजिए और मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर कई अलग अलग तरीके हैं फ्रिल बनाने के, लेकिन अगर सही से पता ना हो तो हम अपने मन मुताबिक एक्यूरेट वैल्यू के साथ कभी भी फ्रिल नहीं बना पाएंगे। और जहाँ रही फ्रिल बनाने की बात, तो आप किसी भी बॉक्स में कोई ना कोई वैल्यू डालोगे तो किसी ना किसी तरह की फ्रिल बन जाएगी, लेकिन अफसोस ये रहेगा कि वो हमारे किसी काम में नहीं आएगी। तो फिलहाल जो पहला बॉक्स है वह है सर्कल का, तो हम इस पर तीन सर्कल बनाने के लिए एक वैल्यू डाल देते हैं और सामने के पॉइंट पर सर्कल, लेकिन इस पर 32 पॉइंट की वैल्यू डली है और मैं इसे इतनी ही डली रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद हमारी स्क्रीन पे एक फ्रिल बनकर आ गई है, लेकिन आप इसमें काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि यह किस हिसाब से बन गई। तो इसे समझने के लिए दोबारा से उसी विंडो को लाता हूँ, फिर यह आपको समझ में आ जाएगा। यह मैंने स्पाइरल पीस पे क्लिक किया और वह विंडो आ गई। तो हमने यह सर्कल के सामने तीन डाला था, तो इसने तीन सर्कल और 32 पॉइंट के हिसाब से फ्रिल बना दिया है। अब चाहे ये आपके काम आए या ना आए, सर्कल तो आप समझ गए होंगे ना, यानी कि यह जलेबी के राउंड चाहे जिधर से गिनती करो तीन ही निकलेंगे। जैसे कि ऊपर से गिनती किया मैंने 1 2 3, नीचे से गिनती किया 1 2 3, साइड से गिनती किया 1 2 3। उम्मीद करता हूँ यह तो आप समझ गए होंगे, लेकिन ये जो 32 पॉइंट है पर सर्कल, लेकिन यह पीस पे तो बहुत से पॉइंट हैं, लेकिन यहाँ तो 32 पॉइंट ही है। तो गाइस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लिखा है पॉइंट पर सर्कल, यानी यह पूरे पीस के पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, यह सिर्फ एक सर्कल की बात कर रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ से गोल गोल घूमकर यहाँ तक के पॉइंट को गिनती करेंगे तो यह पॉइंट 32 ही होंगे। विश्वास है या गिनती करके दिखाऊं? एक बार गिनती कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32। देख लिया, अब आपको तो भरोसा हो गया होगा। आई होप यह दोनों बॉक्स आप बहुत ही सरल तरीके से समझ गए होंगे। और अब इधर दो ऑप्शन है, एक में टिक लगा है और एक में नहीं, तो यह दोनों ऑप्शन डायरेक्शन घुमाने के लिए हैं। तो इस बार हम दूसरे वाले पर टिक लगाकर ओके करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये लो जी, एक फ्रिल और हमारे स्क्रीन पर आ गई, सेम वैसे ही जैसे हमने पहली बार में लिया था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वाली का मुँह नीचे को था और अब दूसरे वाली का ऊपर को है। तो आप इस तरह से दो डायरेक्शन के हिसाब से ले सकते हैं। अब नीचे के दो बॉक्स के बारे में समझते हैं। यह बॉक्स स्पाइरल लेंथ से रिलेटेड हैं, एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। तो इसमें जो भी वैल्यू डली है वह हमने नहीं डाला, हमने सिर्फ ऊपर सर्कल बढ़ाया था और यह अपने आप सर्कल के हिसाब से वैल्यू डल जाती है, और जब दोबारा पीस लेते हैं तो वही वैल्यू डली रहती है। तो इस बात से आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप जिस किसी पर एक बॉक्स पे कोई वैल्यू डालोगे तो वह सॉफ्टवेयर उतना ही बस आपके हिसाब से चलेगा, बाकी यह अपने हिसाब से बना देगा। कुल मिलाकर आप सभी बॉक्स पे अपने मन मुताबिक वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। एक में डालोगे दूसरे बॉक्स की वैल्यू अपने आप घट बढ़ जाएगी। अब मैं इंटरनल की वैल्यू चेंज करूँगा और बाकी के बॉक्स की वैल्यू अपने आप ही चेंज हो जाएगी, लेकिन आप फिलहाल अपना फोकस इंटरनल को ही समझने में लगाना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यह मैंने इंटरनल पे सिर्फ 150 इंच की वैल्यू डालकर ओके कर देता हूं और फिर आपको आगे समझाता हूं यह सब कैसे काम कर रहा है। और ओके करते ही आपके सामने एक घुमावदार फ्रिल आ गई है। तो अगर आपको अपने पीस के लिए इस तरह की फ्रिल की ज़रूरत है तो यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन आप पहले ये ज़रूर समझ लें कि यह कहाँ पर क्या वैल्यू डालना है तो फ्रिल में कहाँ बदलाव होगा, नहीं तो आप कभी भी एक्यूरेट फ्रिल यानी रफल नहीं बना पाएंगे। तो मैंने आपको और भी अधिक समझने के लिए एक पैटर्न भी बनाया हुआ है जो शोल्डर पॉइंट से लेकर नीचे साइड तक एक रफल है। तो हमें न्यू रफल बनाने के लिए इस सिम की लेंथ कितनी है यह ध्यान पर रखना है और शोल्डर की विड्थ कितनी है वह ध्यान पर रखना है,
और इसी हिसाब से नया फ्रिल बनाना है। तो यह रहा हमारा एक पैटर्न और हमें इसके लिए एक रिफल बनानी है। तो हमने फ्रंट पैनल को दो भागों में कर दिया है क्योंकि रिफल अधिकतर सिम के बीच में ही लगती है। तो आपने यह देख लिया होगा कि जो सिम की लेंथ है वह है 150 इंच और शोल्डर की विथ है 18 इंच और इसी हिसाब से एक फ्रिल लेना है। और आप लेंथ विथ पे मत जाना कि सोचो ओ माय गॉड 150 इंच का लंबा ड्रेस कौन पहनेगा। तो फिलहाल ये किसी के पहनने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया है। फिलहाल सिर्फ आप फ्रिल बनाने पे ध्यान दें क्योंकि ये काफ़ी टफ है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। हमें फ्रिल बनाने के लिए 2 से 3 मेजरमेंट की ज़रूरत है, एक इंटरनल लेंथ और दूसरा फ्रिल जहाँ से शुरू हो रही है उधर कितनी चौड़ी रखना है और जहाँ ख़त्म हो रही है उधर कितनी रखना है, बाकी सब अपने आप बॉक्स पे वैल्यू भर जाएगी। तो हमारी फ्रिल शोल्डर से शुरू हो रही है और नीचे 0 हो रही है, तो शोल्डर की विथ है 18 इंच, तो हम फ्रिल भी शोल्डर पे 18 इंच रखना चाहते हैं। तो अगर यहाँ की विथ घटाना बढ़ाना है तो इंक्रीज सर्कल वाले इस बॉक्स पर विथ के सामने मैंने 11 इंच वैल्यू भर दिया और ओके कर दिया और हमारी स्क्रीन पर एक नई फ्रिल आ गई है। लेकिन आप यह ज़रूर सोच रहे होंगे कि जब मैंने 11 इंच की वैल्यू डाला तो 18 इंच क्यों आया। तो गाइस मैंने आपको यह बता दिया कि इस बॉक्स पे वैल्यू घटाने बढ़ाने से यहाँ पर फर्क पड़ेगा, लेकिन हम जितनी वैल्यू डालेंगे उतना ही नहीं आएगा क्योंकि इसका भी कोई ना कोई फंडामेंटल है। तो आप इस बॉक्स पे कुछ इंच कम वैल्यू डालें जितना आपको चाहिए। जैसे मुझे 18 इंच चाहिए था तो 11 इंच डाला और 18 इंच हो गया, यानी कि 7 इंच कम डाला। तो आप इसी अनुमान से आप कम ज़्यादा करके ट्राई कर लीजिए। लेकिन फिर भी अगर यहाँ से आपके मन मुताबिक नहीं हो पा रहा है तो आपको यहाँ पर एक टूल्स मिल जाएगा जिसका नाम है मूव पॉइंट प्रोपोर्शनली, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+M। तो यह टूल्स लेने के लिए आपको यह एक छोटे एरो पे क्लिक करना है और टूल्स की एक लंबी लिस्ट खुल जाएगी। ऊपर से तीसरे नंबर का टूल्स लेकर कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना है क्लॉकवाइज और फिर इस पॉइंट को पकड़कर अपने मन मुताबिक कम या ज़्यादा कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, बाकी आप ट्राई करते रहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर फ्रिल को सेंटर पे 0 नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो गाइस ये काफ़ी सिंपल है, तो हम फिर से एक न्यू फ्रिल लेने के लिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे कि आप यह पहला बॉक्स देख रहे हैं इसमें मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ जैसे कि 5 इंच और ओके कर देता हूँ और एक न्यू फ्रिल आ गई है। अब आप न्यू फ्रिल पर देख सकते हैं जहां पहले 0 था अब यहां पर 5 इंच हो गया है, लेकिन इस पर जितनी वैल्यू डालेंगे उतना ही ले लेगा, इस पर कोई अनुमान नहीं लगाना है इस वाले बॉक्स की तरह। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 150 इंच की फ्रिल है और आप 200 इंच विथ डाल दें, नहीं तो यह सॉफ्टवेयर लेगा नहीं या फिर फ्रिल को इंटरनल या एक्सटर्नल लेंथ को बढ़ा देगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। और यहाँ है दो बॉक्स रेडियस से रिलेटेड हैं जो हमारे जल्दी कोई काम नहीं आने वाले हैं। इन बॉक्सों की वैल्यू अपने आप घटती बढ़ती रहती है इन वाले बॉक्स की वैल्यू के हिसाब से, फिर भी कंपनी ने इन्हें शो क्यों किया है पता नहीं। मेरे हिसाब से तो इन दोनों बॉक्स को कंपनी को हाइड रखना चाहिए, लेकिन अभी हम इतना भी समझदार नहीं हैं जो इतनी बड़ी कंपनी की सॉफ्टवेयर पे कमी निकाल सकें। आगे और ज़्यादा समझने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। खैर आप फ्रिल बनाना सीख गए होंगे, अब बस एक लास्ट ऑप्शन बचा है, इसकी जानकारी कंप्लीट करते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। लास्ट ऑप्शन है फ्रिल लेने का ही है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट है इसलिए इसे भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो यह मैंने बेंडिंग स्ट्राइप टू स्पाइरल पीस पर क्लिक किया और इससे की वैल्यू भरने की विंडो आ गई है। तो मैं बता चुका हूँ यह भी पिछले ऑप्शन से मिलती जुलती है, बस थोड़ा फर्क है उसे जान लेते हैं। जैसे कि यह है डायरेक्शन के 2 ऑप्शन जो मैं पीछे बता चुका हूँ और यह है 32 पॉइंट पर सर्कल, ये भी मैं पीछे बता चुका हूँ। अब जानते हैं ये दो बॉक्स के बारे में, विथ और दूसरा है विथ इन एंड। तो अभी विथ है 0, इसे 0 छोड़ते हैं और दूसरे पे विथ इन एंड
इस पर 10 इंच की वैल्यू डाल देते हैं और ओके कर देते हैं। ओके करते ही एक फ्रिल हमारी स्क्रीन पर आ गई है, लेकिन हमें इसे और भी अच्छे से समझने के लिए दोबारा से उस वैल्यू भरने वाली विंडो को लाना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगा। यह मैंने इस पर क्लिक किया और विंडो आ गई। अब समझते हैं विथ और विथ इन एंड पर क्या फ़र्क है, इसमें वैल्यू घटाने बढ़ाने से कहाँ फ़र्क पड़ता है। तो गाइस, यह है फ्रिल और यह फ्रिल का है केंद्र, जहाँ से फ्रिल बनना शुरू होती है। तो इस विथ पर अगर हम जीरो रखेंगे तो इसका केंद्र जीरो से शुरू होगा, और इधर विथ इन एंड पर जो वैल्यू डालेंगे तो उतना यहाँ तक आकर चौड़ा हो जाएगा। तो चलो एक फ्रिल फिर से ले लेते हैं ताकि और बेहतर से आप समझ पाएँ। तो इस बार जीरो की जगह पे कुछ वैल्यू डाल लेते हैं। यह मैंने 5 इंच डाल दिया और ओके कर दिया। अब आप देखकर समझ सकते हैं कि फ्रिल जहाँ से शुरू हुई है वहाँ यह बॉक्स की वैल्यू अप्लाई है, और जहाँ पर फ्रिल एंड हो रही है वहाँ इस बॉक्स की वैल्यू अप्लाई है। उम्मीद करता हूँ कि ऊपर के यह दोनों बॉक्स समझ चुके होंगे। अब जानते हैं लेंथ और गैप वाले दो बॉक्स के बारे में। लेंथ हमने 150 डाल रखा है, जो यह इस फ्रिल के अंदर वाली लाइन की वैल्यू है। इस बॉक्स पे लेंथ लिखा हुआ है, लेकिन फ्रिल लेने का जो पहला तरीका था उस पर इंटरनल लेंथ और एक्सटर्नल लेंथ के दो बॉक्स आ रहे थे, लेकिन इस पर इंटरनल या एक्सटर्नल नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लेंथ लिखा हुआ है। और यह जो लेंथ है वह मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरनल लेंथ घटाने बढ़ाने के लिए ही यह बॉक्स है। अब आगे है गैप, यानी कि जो फ्रिल के बीच में गैप है उसे कम ज़्यादा करने के लिए है। जैसे कि मैं गैप को कर देता हूँ जीरो, और फ्रिल जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पे ख़त्म हो रही है इन दोनों बॉक्स पे 10-10 इंच की वैल्यू डाल दिया और ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं जो न्यू फ्रिल स्क्रीन पे आई है उस पर बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो फ्रिल के बीच का गैप कम ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़े तो इस बॉक्स पे वैल्यू डालकर कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके नीचे है रेडियस, अभी रेडियस जीरो है, तो फ्रिल का जो केंद्र है यहाँ पर एक चोंच की तरह बन रहा है, जो सिलाई के दौरान टेलर को काफ़ी दिक्कत दे सकता है। इसे थोड़ा सुधारने के लिए इस रेडियस के सामने वाले बॉक्स पे मैं 3 इंच डाल देता हूँ और फिर से ओके कर देता हूँ। अब आप न्यू फ्रिल और पुरानी फ्रिल में अंतर देख सकते हैं। रेडियस बढ़ाने से क्या सुधार हुआ है यह आप समझ चुके होंगे। अब आगे है सर्कल, यानी कि फ्रिल में जितने सर्कल बन रहे हैं वह यहाँ पर दिखा रहा है। इसको मैं पीछे बता चुका हूँ किस तरह से यह काम करता है। तो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।